वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमपीपीएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उनमें अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है, कितनी छूट मिलती है, किस बेसिस पर मिलती है, न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, किस पद के लिए कितनी आयु सीमा होती है, तो उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में जो है मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम्स जो 2023 में होगी, या जब भी एग्जाम्स होती हैं सेम क्राइटेरिया जो है एज का होता है, चाहे 23 में हो, चाहे 24 में, चाहे 22 की एग्जाम हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि न्यूनतम आयु सीमा कितनी होगी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में, और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में कौन कौन सी पोस्ट आती है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इस पोस्ट के लिए इतनी आयु सीमा। तो सभी पोस्ट के लिए, यानी कि जितने भी, जैसे कि कुछ पद होते हैं वर्दी वाले, जैसे कि हम बात करें तो डीएसपी होता है, डेप्यूटी ऑफ सुपरिटेंडेंट पुलिस जिसको हम कह सकते हैं, तो वो जो पद होता है वो वर्दी वाला पद होता है। एक होता है डीसी यानी कि डिप्टी कलेक्टर, तो ये जो पद होता है गैर वर्दीधारी होता है। तो ऐसे अलग अलग पदों के लिए, सभी पदों के लिए जो अगर हम बात करें कि न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो चाहे वर्दीधारी पद हो चाहे बिना वर्दी वाले पद हो, सबकी न्यूनतम आयु सीमा बराबर है और कितनी है 21 वर्ष। तो एमपीपीएससी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तो 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। अब ये बात होती है कि कब ये पूरी होनी चाहिए, तो जिस वर्ष का नोटिफिकेशन होता है, जैसे कि अगर बात करें कि 2022 का नोटिफिकेशन है, अभी अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है तो 1 जनवरी 2023 तक आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो साल का जो पहला दिन होता है 1 जनवरी, उस दिन से ये कैलेंडर जो है जारी किया जाता है, उस दिन को बेस माना जाता है कि 1 जनवरी को इतनी आयु होनी चाहिए। और हर वर्ष जो है उसका जो रूल बुक होती है, नियम पुस्तिका होती है, उसमें ये डिस्क्राइब किया होता है कि कहां से एज की या आयु की गणना की जाएगी। तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो 21 वर्ष होती है। और गणना कब से की जाती है, तो 1 जनवरी से इसकी गणना की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है, तो अधिकतम आयु सीमा स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में जो गैर वर्दीधारी पद होते हैं, जैसे कि मैक्सिमम एज लिमिट होती है 40 ईयर्स जो बिना वर्दी वाले पद होते हैं। अब बिना वर्दी वाले पद कौन से, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर का पद है तो उसमें वर्दी नहीं होती, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट से वो रिलेटेड नहीं होता, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड पद नहीं होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि डीएसपी छोड़ दें, उसके बाद डीएसपी के अलावा कुछ होता है जैसे कि लेबर ऑफिसर्स होता है उसको छोड़ दें, तो बाकी सारी जो पोस्ट होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि डिप्टी कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, नायब तहसीलदार हैं, और नगर पालिका का जो सीईओ है वो है, जनपद सीईओ है, जिला पंचायत सीईओ, तो ये सारे जो पोस्ट हैं गैर वर्दीधारी पदों के लिए आते हैं, और इनके लिए अप्लाई करने की मैक्सिमम जो आयु होती है, अधिकतम आयु सीमा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो अनारक्षित होते हैं उनके लिए होती है 40 ईयर, यानी कि 40 वर्ष उनके लिए अधिकतम आयु सीमा होती है। अगर हम वर्दीधारी पदों के लिए बात करें कि जो वर्दी वाले पद हैं उनके लिए अगर बात करें तो इसको थोड़ा सा कम रखा गया, कितना कम, 33 ईयर, 33 वर्ष इसको रखा गया है, जिसमें डीएसपी के पोस्ट आती है, लेबर ऑफिसर जो होता है उसकी पोस्ट आती है, तो इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है 33 वर्ष जो है डिसाइड की गई। अब आयु सीमा में छूट किस प्रकार से प्रदान की जाती है और किस किस को प्रदान की जाती है मैक्सिमम एज लिमिट में, तो जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के जो लोग हैं, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो जो लोग शासकीय निगम मंडल या स्वशासित संस्था के कर्मचारी यानी कि संविदा कर्मी है, नगर सैनिक यानी कि होम गार्ड में जॉब में है, दिव्यांगजन है जो हैंडीकैप्ड है जैसे कि हैंड है, पैर है, लेग यानी कि श्रवण बाधित है, या अगर हम बात कर सकते हैं तो दृष्टि बाधित है, उसके अलावा जो महिलाएं हैं, इनमें शासकीय निगम मंडल स्वशासित संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक दिव्यांगजन और महिला, ये चाहे आरक्षित वर्ग से हो अनारक्षित वर्ग से हो, इन सभी को 5 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। तो किस में दी जाती है, वर्दीधारी में दी जाती है कि गैर वर्दीधारी में, तो दोनों पोस्ट में दी जाती है। जो वर्दीधारी पोस्ट होती है
उसके लिए 33 से 5 बढ़ाकर 38 कर दी जाती हैं, और जो गैर वर्दीदारी होती है उसमें 40 से बढ़ाकर 45 कर दी जाती है। इन सभी को जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सारे जो लोग हैं जैसे कि एसटी के हैं, एससी के हैं, ओबीसी के हैं, जो संविदा कर्मी हैं, दिव्यांगजन हैं, नगर सैनिक हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को 5-5 साल की छूट जो है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में दी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो वन सेवा यानी कि फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन होती है, उसके लिए आयु सीमा का यानी कि एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है, मिनिमम एज कितनी चाहिए उसके लिए, तो आप सभी को पता है कि जो वन सेवा परीक्षा है प्रारंभिक परीक्षा और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि राज्य सेवा परीक्षा है, दोनों की प्रीलिम्स एक साथ होती हैं। तो दोनों की जब प्रीलिम्स एक साथ होती हैं तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है वो दोनों की बराबर रखी गई है कि मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए, और कब होनी चाहिए, 1 जनवरी, जब भी जैसे दिसंबर में आ रहा है तो 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा, यहाँ पर कितनी होनी चाहिए आपकी एज, मिनिमम 21 वर्ष जो है हो जानी चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अधिकतम आयु सीमा, तो अधिकतम आयु सीमा फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में भी अलग अलग टाइप के पोस्ट होते हैं, जैसे कि एक होता है सहायक वन संरक्षक, जिसे कहते हैं हम कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो जो ACF होता है उसके लिए मैक्सिमम जो आयु होती है अधिकतम वो 40 ईयर होती है, यानी कि 40 साल तक अभ्यर्थी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 40 से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए या 40 भी पूरी नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी जब भी नोटिफिकेशन आता है उसमें डिस्क्राइब किया होगा, जैसे कि अभी दिसंबर में आएगा तो 1 जनवरी 2023 को 40 वर्ष जो है पूरी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वन क्षेत्रपाल और परियोजना क्षेत्रपाल जो होते हैं, जैसे कि अगर वन क्षेत्रपाल की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं फॉरेस्ट रेंजर, और परियोजना क्षेत्रपाल यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, इसके लिए जो आयु सीमा होती है अधिकतम वो होती है कम, यानी कि 33 ईयर। जैसे कि स्टेट सर्विस में वर्दीदारी पोस्ट के लिए जितनी मैक्सिमम आयु रखी गई है वैसी ही फॉरेस्ट रेंजर और जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं फॉरेस्ट के, उनके लिए रखी गई है 33 साल। अब इसमें भी अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है उन सभी लोगों को जिनको स्टेट सर्विस में छूट दी जाती है, जैसे कि एसटी के हैं, एससी के हैं, ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, जो संविदा कर्मी हैं, जो नगर सैनिक हैं, जो दिव्यांगजन हैं और महिलाएं हैं, ये आरक्षित जो ऊपर वाले 3 हैं वो आरक्षित, और जो अनारक्षित हैं जैसे कि शासकीय कर्मचारी हैं, निगम के कर्मचारी, मंडल के कर्मचारी, जो स्वशासित संस्था है उनके कर्मचारी, नगर सैनिक और दिव्यांगजन महिलाएं, ये आरक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के होते हुए भी इनको 5 साल की इसमें छूट मिलेगी। तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर है यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 वर्ष हो जाएगी। और जो अगर हम बात करें कि वन क्षेत्रपाल हैं और परियोजना क्षेत्रपाल हैं यानी कि फॉरेस्ट रेंजर हैं और उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो उनके लिए इसकी एज लिमिट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 38 ईयर यानी कि 38 साल हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि एज से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट थे आयु सीमा से संबंधित वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।